तो दोस्तों, व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए, हमें इससे सदा दूर रहना चाहिए। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण ने सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ का अहंकार एक साथ चूर चूर किया था। एक बार की बात है, भगवान कृष्ण द्वारका में रानी सत्यभामा के साथ बैठे हुए थे। उनके पास निकट ही गरुड़ और सुदर्शन भी विराजमान थे। तभी कोई बात ऐसी छिड़ गई कि रानी सत्यभामा ने कृष्ण से प्रश्न किया कि प्रभु, त्रेता युग में आपने राम के रूप में अवतार लिया था, सीता आपकी पत्नी थी, लेकिन क्या वे मुझसे भी अधिक रूपवान थी? भगवान कृष्ण समझ गए कि रानी सत्यभामा के अंदर अपने सुंदरता का अभिमान हो गया है। रानी सत्यभामा की बात समाप्त होते ही गरुड़ भी बोल पड़े कि भगवान, क्या मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? इसके बाद सुदर्शन चक्र का भी अहंकार जाग गया और वे भी बोल पड़े कि प्रभु, क्या संसार में मुझसे भी अधिक शक्तिशाली कोई है? श्री कृष्ण समझ गए कि इन तीनों को अपने ऊपर अहंकार हो गया है, अब कुछ ऐसी लीला करनी होगी जिससे इन तीनों का अहंकार दूर हो सके। तब भगवान श्री कृष्ण ने फैसला किया और गरुड़ से बोले कि गरुड़, हनुमान को बुला लाओ, उनसे कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान को बुलाने के लिए उड़कर चले गए। उसके बाद सत्यभामा से श्री कृष्ण ने कहा कि देवी, तुम श्रृंगार करके तैयार हो जाओ, और श्री कृष्ण ने राम का रूप धारण कर लिया। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो, और जब तक वे स्वयं किसी को ना बुलाएं, तब तक किसी को महल में प्रवेश ना करने दें। भगवान की आज्ञा लेकर सुदर्शन चक्र प्रवेश द्वार पर खड़े हो गए। उधर गरुड़ हनुमान जी के पास पहुंचे और प्रभु का संदेश सुनाया। उन्होंने कहा कि वानरराज भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप तत्काल मेरे साथ चलें, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठा के शीघ्र ही वहां ले चलूंगा। तब हनुमान ने उनसे कहा कि आप चलो, मैं आता हूं। तब गरुड़ ने मन में विचार किया कि हनुमान जी वृद्ध हो गए हैं, ये कैसे जल्दी पहुंचेंगे। फिर हनुमान जी के कहने पर गरुड़ द्वारका के लिए अकेले ही उड़ के चले गए। लेकिन गरुड़ द्वारका पहुंचकर जैसे ही महल में दाखिल होते हैं, वहां गरुड़ के होश हो जाते हैं। उसके सामने हनुमान जी विराजमान थे, जो उससे पहले ही महल में पहुंच गए थे। यह देखकर गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया और उन्हें समझ में आ गया कि उनसे भी अधिक तेज कोई उड़ सकता है। फिर हनुमान जी को देखकर श्री राम ने उनसे पूछा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? तब हनुमान जी ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को बाहर निकाला और उनके सामने प्रस्तुत कर दिया। सुदर्शन चक्र को सौंपने के बाद हनुमान जी बोले, प्रभु, इस चक्र ने रोका तो था, तब मैंने इसे अपने मुंह में रख लिया और आपसे मिलने अंदर आ गया। इस बात पर भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे। फिर हनुमान जी यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने प्रभु से कहा कि आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। इतना सुनकर रानी सत्यभामा का अहंकार दूर हो गया और इस समय तक गरुड़, सुदर्शन और सत्यभामा तीनों को पता चल गया था कि यह भगवान श्री कृष्ण की लीला है, ताकि वह जो हमारे अंदर आया हुआ अहंकार है उसे चूर कर सके। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान कृष्ण ने एक बार में ही तीनों का अहंकार समाप्त कर दिया था और अंत में तीनों भगवान के सामने लज्जित अवस्था में थे। फिर उन्होंने प्रभु से माफी मांगी, क्योंकि उन्हें सारी बातें समझ में आ गई थी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ऐसी वीडियोस पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।